हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट समथिंग में। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं टेस्ट प्रैक्टिस 2। इससे पहले भी मैंने एक टेस्ट डाल रखा है यूट्यूब पर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, हमारा है आज टॉप 20, पिछली बार शायद 10 था, तो आज 20 लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई आसान साइंस के क्वेश्चंस नहीं आते। आपने अगर पेपर दिया होगा कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आपको खुद को पता होगा कि आसान क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि भाई साहब जब भी देखते हैं, यार कहाँ से दे दिया इसने, वैसे ही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन लाया हूँ। और इनको ज़रूर पढ़ के जाना, पक्का देखना फंसेंगे ज़रूर, ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 साइंस महत्वपूर्ण प्रश्न, वो तो बिल्कुल हैं, पेपर में भी आए हुए हैं। मैं बता दूं, पेपर से चुन के ही लाया हूं, तभी लिखा है मैंने सारे खुद। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई सा भी आंसर गलत हो जाए, सारे के सारे सही आंसर्स हैं। ये मत सोचना कि मैंने हैंड राइटिंग की है तो गलत होंगे, ना बिल्कुल नहीं हो सकते गलत। तो गाइज, आप ज़रूर पढ़ के जाना इसे, तो बिल्कुल पढ़ के जाना ऐसे क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब SSC रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वृत्तीय पथ के चारों ओर गति करना उदाहरण है समान चाल या समान वेग का, समान चाल परिवर्ती वेग का, समान वेग परिवर्ती त्वरण, या फिर समान चाल परिवर्ती त्वरण। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, समान चाल परिवर्ती वेग। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, मैं छुपाना भूल गया था लेकिन अब छुपा रहा हूं। ठीक है गाइज, आपको पहले बताना है फिर मैं आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, ये भी दिख गया होगा वैसे आपको, अगला कोई नहीं, अगला छुपा लेंगे। चलिए देखिए, किसी पिंड को तरल में डालने पर तरल द्वारा पिंड पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव, उत्प्लावन बल, या फिर दाब या कोशिकत्व। तो आंसर क्या है बताइए जल्दी आप। तो आंसर है उत्प्लावन बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल छुपा के। अगला क्वेश्चन हमारे आपको दिख ही रहा होगा वैसे। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया? किरचॉफ का नियम है ये, या फिर भाप, या फिर न्यूटन के शीतलन का नियम है, या फिर उष्मा गतिकी का नियम है? तो आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम है ये। ठीक है गाइस, अगला है, कार्य कौन सी राशि है? तो हमारा सदिश राशि है वो, या फिर अदिश राशि, या प्रदिश राशि, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो बताइए जल्दी। तो कार्य हमारा अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है गाइज, देख लीजिए ना। अगला है, कोणीय वेग की बीमा क्या है? कोणीय वेग की बीमा क्या है? तो ऑप्शन ये है, कैसे बोलूं मैं इसे, ठीक है बोलता हूं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है m की पावर 0, l की पावर 1, t -1, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। ऑप्शन डी है, आपको दिख रहा होगा, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -3। गाइस मैंने ऑप्शन बोल दिया, अब आप बता दीजिए आंसर क्या है। तो चलिए मैं बताता हूं आंसर क्या है। आंसर ये है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर है हमारा। ठीक है, कौन ये वेग की बीमा क्या है, ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, किस परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है? प्रतिरोध, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, या फिर बोथ बी एंड सी, बताइए क्या आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अगला चलते हैं, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन के कारण,
ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन सी है आयतन के कारण, या फिर इन सभी के कारण। तो बताइए क्या आंसर है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एक फेम्टो बराबर होता है, ऑप्शन ए है 10^-18, 10^-15, 10^-12, या फिर 10^-6। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा 10^-15, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा प्रयास के अनुपात को क्या कहते हैं? वेगानुपात, यांत्रिक लाभ, या फिर मशीन की दक्षता, या फिर मशीन का इनपुट। तो आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा यांत्रिक लाभ, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसको इंग्लिश में मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। ठीक है, एडवांटेज मतलब लाभ, यांत्रिक को मैकेनिकल कहते हैं। ठीक है गाइज, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट नहीं है? EXOR, या फिर NOR, या फिर नंद, या फिर ऑल, मतलब कोई भी सबसे नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा, मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, EXOR। ठीक है, अगला है, मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट का प्रयोग किया की जाएगी? तो आप सभी को पता होगा इनमें से, चलिए फिर भी ऑप्शन देखिए, A1, A2, A3, या फिर A4 शीट। तो आंसर बताइए, इसका आंसर हो जाएगा A4 शीट। ठीक है गाइस, अगला चलते हैं, निम्न में से कौन सा सही है? तो देख लीजिए, ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो बताइए कौन सा सही है। तो ये सही है ऑप्शन नंबर बी, F-32/9=C/5। अगला चलते हैं, अगला है, मोटाई के आधार पर निम्न में से कौन सी रेखा मध्य रेखा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन दे रखे हैं, वस्तु रेखा, प्रमुख रेखा, प्रमुख रेखा, अदृश्य रेखा, प्रसार रेखा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अदृश्य रेखा, मतलब इनविजिबल लाइन इंग्लिश में जिसे कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला है फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है, क्या है? टेस्ला, बेवर मीटर स्क्वायर, लाइन सेंटीमीटर, लाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। एक धातु की प्लेट में एक गोल छेद है, ठीक है भाई, यदि प्लेट के तापमान बढ़ा दिए जाएं तो उस छेद का डायमीटर बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, या पहले बढ़ेगा फिर और तब बढ़ेगा? तो आंसर बताइए। अगर एक धातु की प्लेट में एक गोल छेद कर दिया जाए, यदि प्लेट के तापमान बढ़ा दिया जाए तो उस छेद का डायमीटर बढ़ेगा, घटेगा, या समान रहेगा, पहले बढ़ेगा या फिर तब घटेगा? तो बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा घटेगा, मतलब विल डिक्रीज इंग्लिश में कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्री स्पेस की पारगम्यता कितनी होती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आप बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 4π×10^-7 एच प्रति मीटर। अगला है, दिख रहा है, किस कोण प्रोजेक्शन में प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के ठीक नीचे बनता है? किस कोण प्रोजेक्शन में प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के ठीक नीचे बनता है? ऑप्शन दे रखा है, एक कोण प्रोजेक्शन, दो कोण प्रोजेक्शन, तीन कोण प्रोजेक्शन, या फिर चौथा नॉन, कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तीन कोण प्रोजेक्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन आंसर दिख गया आपको। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 30N है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए, 15N, 10N, 30N, 5N। तो आंसर बताइए, आंसर होगा डी, 5N। गाइज मैं आपको बता दूं, ये 5N कैसे आया, अगर भार की बात कर दे
जब भी भार की बात कर देना कि पृथ्वी पर भार इतना है और चंद्रमा पर कितना होगा भार उसका, तो आपको करना यह है, जो भी पृथ्वी का भार दे रखा है मतलब 30 दे रखा है तो इसका 1/6 कर देना है। जिस अगर पृथ्वी का भार दे रखा है उसका 1/6 कर देना है, ठीक है। तो देखिए 5 आ गया, तो हमारा 5 ही आंसर है, ठीक है गाइस, ऐसे आपको देना है। ये भी क्वेश्चन दिख गया है आपको आंसर, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान है, ऑप्शन है, आंसर हमारा दिख ही चुका है, ऑप्शन नंबर सी है, 6 × 10^24 किलोग्राम। गाइस ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देख सकते हैं आप कैसे कैसे क्वेश्चन थे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन साइंस में नहीं आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे रेलवे, NTPC हो, ग्रुप डी हो, SSC हो, कोई सा भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव का, आपने खुद ही देखा होगा, आपने पेपर दिया होगा तो आपको मालूम भी होगा, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाय बाय।